अब देखिए एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक इसमें सबकी वैल्यूज निकालनी है, वो कैसे। ए पार्ट है 1/4 of 7 72 और हटाओ क्रॉस का साइन लगाइए किस तरह से 1/4 cross 72। अब इसे काट लीजिए, 4 × 4 = 4 × 4 = 8 इस तरह से 1 cross 18 इस तरह से ये आंसर हुआ। इसी प्रकार से इसी के सभी पार्ट जो है इसी तरह से कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड में इसे काट प्रोडक्ट फाइंड की प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट ज्ञात करने हैं। पहले क्रॉस कर लीजिए इन काट लीजिए 3 × 3 = 3 3 × 6 2 × 2 = 2 2 × 4 दैट्स ऑल। इसी तरह के बाकी के जितने भी पार्ट हैं कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में फाइंड द प्रोडक्ट एंड गिव योर आंसर इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट के बाद फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें। तो किस तरह से पहले काट लीजिए 2 2 = 4 2 3 = 6 अब 7 × 3 / 2 × 5 7 3 = 21 और 2 5 = 10 इस तरह से ये आंसर हुआ दैट फॉर्म। यही सिंपलेस्ट इसकी फॉर्मूली है, इसके बाद ये नहीं लगेगा। इसी प्रकार से इसके आगे के जो खंड हैं पार्ट हैं वो इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट याद करने उससे पहले हम इन्हें काट लें सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें 9 × 9 9 × 3 = 27 3 × 3 = 3 6 × 8 4 × 4 = 4 3 = 12 तो ऊपर 2 × 1 × 1 और नीचे 1 × 1 × 3 2 × 2 और 3 × 3 दैट्स ऑल इसका आंसर। इसी का आगे पार्ट जो है इसी प्रकार से कर सकते हो बिल्कुल सेम। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द फॉलोइंग, इन्हें फाइंड कर रहे हैं किस तरह से और की जगह क्रॉस लगाई है और सेम पहले क्वेश्चन जैसे हैं। तो 4 से काट लीजिए 4 8 4 7 या 28 और शेष 2 बची 4 5 या 20 इस तरह से 1 cross 75 तो 75 कितना आंसर हुआ इस तरह से निकाल सकते हैं 150। इसी प्रकार हाँ आप देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार आगे के पार्ट इसके इसी तरह से कर सकते हो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसे सॉल्व किस तरह से करते हैं, देखिए इन दोनों में बताने हैं ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये टोटल में किस तरह से 2/3 of 6/5 और 1/2 of 8 ऑफ हटाइए क्रॉस का साइन लगाइए फिर उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए 3 × 3 = 3 3 × 6 2 2 = 4/5 और 4 × 4। अब देख लीजिए 4 का 5 पार्ट है, इसमें 4 एक देख लीजिए कौन सा बड़ा है, इसमें दिख रहा है देखने 4 बड़ी है, 4 के जस्ट ऊपर कितने लिखे ये नंबर्स यानी लिख देते हैं 1/2 of 8 इज ग्रेटर इस तरह से लिख देती है दैट फॉर की आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 7 में किस तरह से करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 lakh of milk इज इतने रुपीस, 1 लीटर दूध का मूल्य इतने रुपए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतने लीटर मिल्क निकालने हैं किस तरह से निकालोगे, 1 लीटर कॉस्ट ऑफ
मिलकर इक्वल दिया है ए इन होल 1/2, जिसे करेक्ट कर लीजिए 11 2 22 और 1 जोड़ दीजिए 23/2। इसके बाद कॉस्ट पूछा है 10 होल 1/4 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23/2 क्रॉस इसका हो, यानी 4 10 40, उसमें 1 ऐड कर दीजिए 41/4, और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे 4 2 8, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 1 23 23 4 92 92, में 2 जोड़ दीजिए तो 94, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, इस तरह से इसे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, 8 में भी क्वेश्चन सेम इसी जैसा है, वो कर सकते हो लेकिन हम करके तब तक बताएं। 8 में क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन 8 में है, एक काउ ड्रिंक्स इतने लीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, एक गाय इतने लीटर दूध मॉर्निंग में देती है, एंड 6 लीटर मिल्क इन द इवनिंग, और 6 लीटर इवनिंग शाम को समय देती है। How much she gives in 1 week means एक सप्ताह, यानी 7 दिन में निकालने कितने लीटर दूध देगी, कैसे करते हैं। पहली बार लिख लीजिए मॉर्निंग गिव्स मिल्क इक्वल 5 होल 1/2, 5 2 या 10 10 11/2 लीटर। इवनिंग गिव्स मिल्क इक्वल 6 लीटर, टोटल 1 डे मिल्क गिव्स इक्वल ऐड कर दीजिए तो ये मुझे 6 2 या 12 12 में ये ऐड कर दीजिए तो ये तुम्हारे बने 23/2 लीटर। अब तुम्हें शो करना है 1 वीक यानी 7 डेज, 1 वीक गिव्स मिल्क इक्वल 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 7 3 या 21, 7 2 या 14, इसमें जोड़ दीजिए 16/2, और इसे काट के लिख सकते हो इस तरह से 2 8 या 16 0 इतने लीटर में, दैट्स ऑल, ये आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन बिल्कुल साथ में लिख रहे से हैं, जैसे 7 क्वेश्चन किया उसी तरह से 9 और 10 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सेम है, केवल नंबर्स इसकी संख्या बदली हुई है, बस बाकी की सब तरीका वही है। इसके बाद 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, वो बुक से भेज दिया है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ शर्ट इज 1125 होल 1/2 एंड 1 मीटर कॉस्ट ऑफ टोरेस्टर इज 2280 होल 1/4, रेनू परसेस 2 होल 1/2 मीटर क्लॉथ फॉर शर्ट एंड 1 होल 3/4 मीटर क्लॉथ फॉर टूरिस्ट, फाइंड द अमाउंट द रेनू हैज टू पे, कितनी पेमेंट पे करती है, किस तरह से करते 1 मीटर कॉस्ट ऑफ शर्ट इतने रुपीज दिए, इसे करेक्ट कर लिए तो ये हुआ 251 रुपए। इसके बाद इतने मीटर कॉस्ट पूछा है, इतने मीटर कॉस्ट जब निकालने हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। इसके बाद क्या करना है, अगर
कंडीशन दिया है 1 मीटर फॉर स्टॉप ट्रॉस्टर क्लॉक इतने, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये हुआ। इसके बाद पूछा है 1/3/4 मीटर कॉस्ट पूछिए 7/4 हुए, इस तरह 4 बन गया 4, 4 में 3 जोड़ दीजिए 7/4 मीटर कॉस्ट ऑफ वही लाइन लिखी है इस तरह से, इसमें मल्टीप्लाई 7/4 कर दीजिए, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से, तो ये आया ऊपर का ऊपर से करके ये 4/4 = 16। अब पूछिए टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितनी कॉस्ट है कुल कपड़े की, तो इसकी कॉस्ट और ये कॉस्ट दोनों ऐड कर दें, ऐड करने के बाद हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम 16 लिख दिया, लिखने के बाद फिर इस फ्रैक्शन को हम हल कर दें, हल करने के बाद जो भी आए वो ही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का वो ही आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, लिखा है भार शुड बी एडेड टू इतने टू गेट, इतने में क्या ऐड करें कि 5 प्राप्त हो जाए, तो मान लेते हैं लेट्स एडेड टू बी एक्स, तो इस तरह से 5/4 × 1/3/5 इसमें हम 3 को एक्स को ऐड कर दें तो 5 प्राप्त होते हैं। अब इसे शुद्ध कर लेते हैं 5/4 × 5 बन गया 5, 5 में 3 जोड़ दिए 8/5 + x = 5, 4 बन गया 4, 4 × 2 = 8, 5 बन गया यानी 1/2 + x = 5, 2 × 2 + x = 5, इसके बाद या x = 5 - 2 या x = 3 लिख लेते हैं, हैंस एड बाई 3, इसमें 3 के द्वारा ऐड कर दें तो तुरंत 5 प्राप्त हो जाते हैं। दैट्स ऑल, ये हुआ, ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो अगले दिन नेक्स्ट डे बताएंगे, ये एक्सरसाइज नोट कर लें और अपनी अपनी फिर कॉपी कंप्लीट करें और मैसेज के माध्यम से फोटो करके तुरंत मोबाइल पर भेजें, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसकी कॉपी करके तुरंत मोबाइल पर भेज दें ताकि यहाँ से सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। अब कल बताएंगे अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए बच्चों, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं चिन्हों से संबंधित, साइंस से संबंधित किस तरह से करते हैं, जैसे हम कहें कि प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करें, तो प्लस का प्लस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है, इसके बाद माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो भी प्लस आएगा, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी माइनस। कहने का मतलब ये है समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का मल्टीप्लाई माइनस, इस तरह से हम याद रखते हैं। अगर माइनस पर अगर पावर इवन है यानी सम है, माइनस पे अगर पावर सम है या इवन अगर है तो माइनस का प्लस हो जाता है, अगर माइनस पे पावर ऑड यानी विषम, अगर विषम संख्या है तो माइनस का माइनस रहता है, ये विशेष कर याद रखनी है। और प्लस पर कोई भी पावर हो इवन हो या ऑड हो तो वो प्लस ही रहेगा, प्लस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विशेष कर याद रखनी है। जे मल्टीप्लाई से संबंधित है, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई से संबंधित है, इसके बाद एड से संबंधित थोड़ी याद रखनी है, एड में क्या है थोड़ा डिफरेंस है, एड में जिस साइन का नंबर बड़ा होता है वो ही लिखा जाता है, जैसे हम कहें 5
माइनस टू, इन दोनों में देरी, ये प्लस भी है, आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का मान दे। तो 5 में से 2 कम कर दीजिए तो कितने बचे 3, प्लस के लिखे जाएंगे क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, ये विशेष कर ध्यान रखनी है। और भले ही हम ऐड कर रहे हैं, अगर साइन प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी घट जाता है भले ही हम ऐड करें। इसके बाद मान लीजिए माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, अब माइनस और माइनस है वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस को लगे, ये ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ पर ऐड है इसलिए। तो 2 और 3 कितने हुए 5, साइन है माइनस, यानी समान चिन्हों की जो संख्याएं होती है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीजर वही है, वो बड़ी संख्या वाला साइन पहले आता है वो यहाँ लिखते हैं। इसी प्रकार साइन 5 प्लस 2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 7 लिखते। इसके बाद लिखा है माइनस 7 प्लस 3, अब जब माइनस और प्लस है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस के बचते हैं क्योंकि माइनस के जा रहे हैं, 7 से 3 गए 4। इस तरह से चिन्हों से संबंधित समस्याएं किस तरह से हम हल करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह से चिन्हों से संबंधित समस्याएं हल करते हैं। इनको भी कॉपी पर अलग से नोट कर लें और इन्हें विशेष कर याद रखें और इसी के अनुसार ही क्वेश्चन को हल करें। फिर जो समस्या नहीं है मोबाइल के माध्यम से मैसेज करके भेजें।